हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन आज मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ। ये बहुत ही इंस्टेंट है रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है। तो जिस भी कप से आप चीनी नाप रहे हैं उसी कप से आपको पानी भी लेना है। तो 1.5 कप इसमें पानी डाल लेंगे। तो जितना आप चीनी ले रहे हैं उतना ही आपको पानी भी लेना है। 3 इलायची डाल रही हूँ जिसे मैंने ऊपर से खोल लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें केसर डाल रही हूँ। केसर डालना इसमें ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसके बिना भी इसको बना सकते हो। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस चाशनी को हम हल्का सा स्टिकी बनाएंगे और बीच बीच में इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। विनेगर डालने से जो चाशनी होगी वो हमारी जमेगी नहीं। तो अब मैं आपको चाशनी भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए, तो चाशनी देखिए हमारी एकदम चिपचिपी सी हो रही है, लेकिन इसमें देखिए कोई तार नहीं बन रहा है। तो इसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और उसे लिड लगा के मैं साइड में रख दूँगी। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए डो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल लेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिला लेंगे। तो इसे मैंने एकदम हल्के हाथों से मिला लिया है। तो अब इसमें मैं 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली डाली है। 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर पे लिया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। इसे आपको आटे की तरह नहीं गूंथना है। अगर आपने इसे आटे की तरह गूंथ दिया तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका डो बना लिया है और इसका डो बनाने के लिए मैंने 7 से 8 चम्मच दूध का यूज़ किया है। तो अभी आपको ये स्टिकी लग रहा होगा, लेकिन अभी इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए एकदम अच्छे से ये सेट हो गया है। तो अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स निकाल लूँगी। तो पहले मैं 1 साइज़ की लोइयाँ निकाल लूँगी ताकि जो सारे गुलाब जामुन हैं वो हमारे एक जैसे बने। तो अब मैं इसमें से 1 पेड़ा लूँगी और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से राउंड करना है। तो सबसे पहले हम हाथों से इस तरीके से इसको चिकना कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से इसको चिकना कर लेंगे हल्का सा, तो जब आप इसकी बॉल बनाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ बॉल बनेगी, इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से स्मूथ करते हुए इसकी बॉल बनाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने एकदम इसकी स्मूथ सी बॉल बनाई है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी बॉल्स बना ली हैं और इतने से डो में मैंने यहाँ पर 13 बॉल्स बनाई हैं। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम करने रख दिया था। तेल हमारा यहाँ पे बिल्कुल हल्का गरम है। तो यहाँ पे जो तेल है वो आपका बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए। तो इसमें हम एक एक करके अपनी बॉल्स को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखना है। जब इन्हें हम धीमी आंच में फ्राई करते हैं तो गुलाब जामुन हमारे एकदम अंदर तक सिकते हैं, तब उनमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। और तेल को घुमाते हुए इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनमें हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं और साइज़ में देखिए थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। तो स्पून की बैक साइड से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हम घुमा लेंगे और इसे आपको थोड़ा सा पहले घुमाना है तो इस तरीके से आपका डॉट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इनमें कलर आना शुरू हो गया है। तो इस टाइम मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर लिया है और तेल को घुमा घुमा के हम इस तरीके से फ्राई करेंगे इसे, ताकि जो गुलाब जामुन है वो हर तरफ से एकदम अच्छा सा उनमें कलर आए। ये देखिए इस तरीके से, और इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से ये फ्राई हो गए, इनमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसे अब मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, तो इसे अब हम गरम गरम चाशनी में डिप करेंगे ताकि जो चाशनी है वो एकदम अच्छे से इसको एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं अपने सारे गुलाब जामुन चाशनी में डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल लिया और इसी तरीके से मैं अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। तो मैंने अपने सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया और उसे चाशनी में डिप कर लिया।
तो इसे अब हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए चाशनी में भीगे रहने देंगे। उसके बाद आप इसको आराम से खा सकते हो, आप इसको गर्म करके भी खा सकते हो। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।